Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is cross product in relational algebra. Cross product जो है वो basic operator है relational algebra में, जैसा कि मैंने पहले वाली videos में आपको बताया था. यहाँ पे हम cross product को एक तरह से execute करके देख रहे हैं with a simple example. यहाँ पे मैंने सबसे पहले दो relation लिया, relation मतलब table. Because हम RDBMS की बात कर रहे हैं, relational database, जहाँ पे हमारा data हमेशा हम table की form में store करते हैं. That is what? A type of a database. Database के अलग-अलग types हो सकते हैं. हमारे पास object-oriented database है, hierarchical database, network database, entity relation. There are various types of databases that we can use to represent the data. But यहाँ पे हम use कर रहे हैं relational database, जो सबसे ज़्यादा use होता है. तो R1 और R2 दो टेबल है. आप इसको रिलेशन भी बोल सकते हो, सिंपल इसको टेबल भी बोल सकते हो. इसमें मैंने तीन एट्रीब्यूट लिए हैं, ए बी सी, और दो रोज हैं जिसको हम टपल भी बोलते हैं. और इसमें भी तीन एट्रीब्यूट हैं और दो टपल्स हैं. यहाँ पे हम बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की. क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात करें, एक टेबल को उसी से मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है. इट डजंट मीन कि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमेशा मुझे दो अलग अलग टेबल चाहिए. हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए मुझे दो टेबल चाहिए, बट वो दो टेबल सेम भी हो सकते हैं. बट वो क्यों, हम एक ही टेबल को दो बार मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, ये मैं फर्दर वीडियोज में आपको जब सेल्फ ज्वाइन की बात करेंगे वहां पर आपको बताऊंगा. फिलहाल हम सिर्फ दो टेबल्स की बात करें जहां पर हम इन दोनों टेबल को मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है. एंड व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट, वो मैं यहाँ पे शो करूँगा. अब सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट का फायदा क्या है, हम करते क्यों हैं. क्रॉस प्रोडक्ट हम करते क्यों हैं, बिकॉज रिलेशनल एलजेब्रा और सीक्वल, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है, ज्वाइन. मतलब हमें टेबल को ज्वाइन करना पड़ता है. ज्वाइन क्यों करना पड़ता है, कई बार क्या होता है कि टेबल, जब हमारे पास क्वेरी आती है तो क्वेरी का आंसर एक टेबल से नहीं दिया जा सकता, मल्टीपल टेबल से देना पड़ता है. उसके लिए मुझे सारे टेबल्स को क्या करना पड़ता है, ज्वाइन. अब ज्वाइन करने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट. मतलब आप किसी भी दो टेबल्स को या मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन नहीं कर सकते विदाउट क्रॉस प्रोडक्ट. तो यानी पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट. तो पहला, सबसे पहला यूज जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट का ये है कि ज्वाइन करने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा. अब क्रॉस प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी या हम करेक्टरिस्टिक अगर बोलें तो क्या करेक्टरिस्टिक है, जैसा कि R1 टेबल में कितने कॉलम्स हैं, तीन. R2 टेबल में कितने कॉलम है, तीन. तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 6. मतलब अगर एक टेबल में m नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, दूसरे टेबल में n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी m प्लस n. और ये मैंने ऑलरेडी यहां पे बनाए हुए. सेकेंड पॉइंट इज टपल्स. रोज की अगर बात करूं तो अगर एक, जैसा कि इस टेबल में कितनी है, दो. इस टेबल में कितनी टपल्स हैं, दो. तो टोटल कितनी होंगी, 4. मतलब अगर एक टेबल में x नंबर ऑफ टपल्स हैं, दूसरे टेबल में y नंबर ऑफ टपल्स हैं, सो टोटल नंबर ऑफ टपल्स विल बी x इंटू वाई. मतलब यहां पे कितनी टपल्स आएंगी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस. ये पॉइंट जो है, ऑल दो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार छोटे छोटे पॉइंट की वजह से आपका बड़ा क्वेश्चन जो है वो गलत हो सकता है. तो इसीलिए अब हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं. करना क्या है, वेरी सिंपल. आप एक टेबल, मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ, R1 क्रॉस R2, मतलब R1 लेफ्ट साइड पे लिया हुआ है, ABC, R1 के कॉलम्स ABC मैंने यहाँ पे लिख लिए, और R2 के कॉलम्स CDE मैंने यहाँ पे लिख लिए. अब पहली रो को उठाओ, फर्स्ट टेबल की पहली रो को उठाओ, 1, 2, 3, और उसको एज इट इज लिख दो. अब इस रो को मुझे दूसरे टेबल की सारी रो से मल्टीप्लाई करना है. मतलब इसको मुझे इन दोनों रो से मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, इस रो को यहां पे लिख दो, 3, 4, 5, और दूसरी रो क्या है, 2, 1, 2, 2, 1, 2, और इसको एज इट इज कॉपी कर दो. वेरी सिंपल. उसके बाद दूसरी रो उठाओ, पहले टेबल की दूसरी रो उठाई, 2, 1, 4, और इसको भी दूसरे टेबल की सारी रो से मल्टीप्लाई कर दो. कितनी रोज है, दो है, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 3, 4, 5, और दूसरी रो है 2, 1, 2, 2, 1, 2, मैं एज इट इज लिख देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास R1 क्रॉस R2 जो है वो रेडी हो गया है.
अब जब हम ज्वाइन करेंगे तब हम देखेंगे कि इसका फर्दर क्या यूज है, हम इसको क्यों कर रहे हैं या इससे हमें क्या आउटपुट आ रही है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके माइंड में आ सकता है कि वाई आई हैव टेकन सेम एट्रीब्यूट इन टू टेबल्स। यस, दोनों टेबल के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ DBMS हु इज EF कोड, उनके अकॉर्डिंग जब भी दो टेबल्स को हमने ज्वाइन करना है, उसको ज्वाइन करने की एक ही कंडीशन है कि वो दो टेबल्स के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट वन कॉलम शुड बी कॉमन, मतलब सेम, अदरवाइज हम उनको ज्वाइन नहीं कर सकते। और ज्वाइन करने का फंडा भी क्या है, अगर एक टेबल कुछ R1 है, दूसरा R2, और दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटी नहीं है, तो उन दोनों को ज्वाइन करने की कोई जरूरत भी नहीं है। हमेशा हम तभी ज्वाइन करते हैं जब उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन हो। एक कॉलम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा कॉलम भी सेम कॉमन जो है वो हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है क्रॉस प्रोडक्ट का। फर्दर हम देखेंगे कि इसके बाद हम सेट ऑपरेटर्स को कैसे करते हैं, और इस क्रॉस प्रोडक्ट की जो फर्दर एक्सटेंशन है वो हम ज्वाइंस में देखेंगे, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंस। थैंक यू।